हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम सबको पता है, 15 अक्टूबर को बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। एग्ज़ामिनेशन डेट आ चुका है, 15 अक्टूबर 2019 को बीपीएससी का 65वां एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, प्री का। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ आपको बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा। अभी लगभग 50 दिन बचे हुए हैं और उसमें ज़रूरी ये है कि हमें क्या सही तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है, वो देखना होगा। इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए बुक्स लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले 65वें बीपीएससी के लिए। तो चलिए मैं कुछ बताने वाला हूँ। जैसे ये आपको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत है, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है इंडियन पॉलिटी के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आप उसे देखते हैं और उसमें आप पढ़ते हैं, आप अगर आपके पास बुक है या आपके फ्रेंड के पास बुक है और आप उसे पढ़ते हैं तो काफ़ी अब हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं और एग्ज़ामिनेशन में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, सबसे पहला जो मैं बताने वाला हूँ वो हिस्ट्री का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जिसमें दो यूनिट में बांटा हुआ है, मेनली जो है कंपनी रूल है और क्राउन रूल है। ये पहला चैप्टर है, इसको पढ़ना मस्ट है, इसे क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरा हमारा है इम्पॉर्टेंट जो है, वो तीसरा चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी तीन चैप्टर बांटे हुए हैं, तीन सेक्शन में, और ये भी लमसम ज़्यादा नहीं 10 पेज का होगा। इसे पढ़ने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे आपका फेडरेशन और हमारा यूनिटी और बना हुआ है पॉलिटी में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो उसमें प्रीएम्बल में आते हैं, प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन देखिए उतना क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बस आपको पढ़ना भी होगा तो सिग्निफिकेशन ऑफ ये पढ़ना होगा प्रीएम्बल, कि साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं प्रीएम्बल्स के, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट है, इससे हर एग्जामिनेशन में मिलता है क्वेश्चन, बीपीएससी के चाहे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हमेशा देखने को मिला हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप जो होता है, जिसे सिटीजनशिप कहते हैं, तो उसमें भी हमें देखना होगा कि अब सारा नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, किस तरह को हम तरीके से हम लोग सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, तो कितने तरीके के होते हैं लॉस करने के तरीके, कितने तरीके से होते हैं सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, ये सब, सिंगल सिटीजनशिप किस किस कंट्री में है, ड्यूअल सिटीजनशिप किस किस कंट्री में है, जैसे कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, तो कहाँ कहाँ से इंडिया ने एक्वायर किया है सिटीजनशिप को, फंडामेंटल राइट्स को, ये सब बेसिक चीज़ है जिसमें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा कि आप लगभग राइट्स रिट्स तक पढ़ दिए, रिट्स तक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, रिट्स से भी क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट देखेंगे तो डीपीएसपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बीपीएससी में, खासकर डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फीचर्स पूछे जाते हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए, अगर आपको मतलब डीपली पढ़ना है तो अमेंडमेंट भी पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जितने भी आए हुए हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं आप वो पढ़िए, हेल्पफुल रहेगा, ना कि पूरा पढ़ें 1 से लेकर 103 तक। तो मैंने एक वीडियो डाला है, अब आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है वो, तो मैं इसको स्टार मार्क कहूँगा, क्योंकि ये आपके लिए डिपेंड करता है कि आप इसे इम्पोर्टेंट देते हैं या नहीं, और से ये उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कैसे कैसे हम गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नेंस चलाते हैं, तो यहाँ पर आ गए, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि इंटरस्टेट
का जो रिलेशन बताता है वो कौन आर्टिकल बताता है या उसके हेड कौन होते हैं, चाहे स्टेट और सेंटर का रिलेशन बताता है उसके हेड कौन होते हैं, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली नहीं पूछता एग्जामिनेशन में। तो ये था, फिर आगे देखते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए प्रेसिडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप बेसिक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नेचर्स क्या क्या होते हैं इमरजेंसी की, और प्रेसिडेंट के रूल में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होता है इमरजेंसी का, ऐसा आपको पता ही है कि 352, 356 और 360 तीन इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं, और वो कहाँ कहाँ लगते हैं, कब कब लगते हैं, क्या क्या केस होता है, वो सभी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपको बेसिक पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, डीपली एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। तो ये था DPSC के लिए, इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट में भी आपको 3-4 इलेक्शन पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए, और उनके पावर क्या हैं, पावर और टर्म ऑफ ऑफिस, ये 3-4 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो वाइस प्रेसिडेंट में ये सही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे पूरे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। और सेंट्रल और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये पढ़ने को तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो फिर आप जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम रहेगा। तो देखिए ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है ये, लेकिन यहाँ तक मैं जो बताया आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक मैं और बता देता हूँ, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि पार्लियामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए ये कुछ 4-5 टॉपिक मैंने बताया आपको जो कि इंडियन पॉलिटिक्स से था, जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, और मैं एक और वीडियो डालूंगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और कुछ और भी बेसिक जानकारी होगा, लेकिन ये जो मेनली जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने पॉलिटिकली बनाया था कि आप इंडियन पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप उसे पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 50 दिन के आसपास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि और भी बहुत सारा चैप्टर है, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं और वीडियो डालूँगा BPSC से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।